so that a pile of n plate of alternate polarity each of area a meter square and separated from one another by a dielectric of thickness d meter and dielectric constant k constituent a capacitor of the capacitance. देखो बेटे कह रहा है कि आपके पास कितने प्लेटें हैं, आपके पास n प्लेट है, कितने प्लेट हैं, n प्लेट का पाइल्स है. तो मान लेते हैं कि ऐसे प्लेटें हैं ऐसे, और ये ऐसे n प्लेट जा रही है, कितना प्लेट जा रही है, n प्लेट जा रही है, ऐसे n प्लेट डॉट डॉट करके आप आगे बना लेना, ऐसे n प्लेट जा रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्लेट लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो ऐसे लगा हुआ है. तो ऊपर मान लेते हैं कि ऐसे यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे, तो यहाँ पर जो ये प्लेट है, यहाँ पर ये प्लेट है, ऐसे प्लेट को हम कुछ शेप दे देते हैं, इससे थोड़ा सा ठीक रहेगा, समझने में आसानी रहेगी कि ये प्लेट ही है, अदरवाइज आप लाइन समझ जाओगे इसको. और इसका एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, ये न्यूमेरिकल में बोल रखा है, और इसके बीच डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये प्लेट ऐसे जुड़े हुए हैं, ये प्लेट ऐसे जुड़े हुए हैं, ये प्लेट ऐसे जुड़े हुए हैं, ये प्लेट जुड़े हुए हैं ऐसे, और यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये प्लेट इधर से जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं इधर से, ठीक, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, और दो प्लेट से एक कैपेसिटेंस बनता है, तीन प्लेट से दो कैपेसिटर बनते हैं, चार से तीन कैपेसिटर बनता है, पाँच से चार कैपेसिटर बनता है. तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे. तो यहाँ पर ऐसा ना करके हम ऐसा कर लेते हैं ऐसा, और यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ये मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाता है मान लो, तो ऐसे हो ही जाएगा, ठीक है. तो हमारा ये टर्मिनल हो गया. अब कह रहे हैं कि सो द पाइल, सब इसमें एन नंबर ऑफ प्लेटें लगी हुई हैं, एन नंबर ऑफ प्लेटें लगी हुई हैं और अल्टरनेट ऐसे लगे हुए हैं. कह रहा है कि पोलरिटी, एरिया ए है इनका, एरिया ए है और ये एन प्लेटें लगी हुई हैं, और इनके बीच का थिकनेस जो है ना, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है. तो एक प्लेट के बीच में अगर हम बात करें तो जो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो के एप्सिलॉन नॉट और ए बाई डी होता है, एक के बीच का ये फार्मूला होता है. लेकिन ऐसे एन लगे हुए हैं और हमें पता है कि दो प्लेट से एक कैपेसिटर, तीन से दो कैपेसिटर, चार से तीन कैपेसिटर, पाँच से चार कैपेसिटर, छः से पाँच कैपेसिटर, यानी कि अगर हमारे पास एन पाइल्स हैं, कितने पाइल्स हैं, एन पाइल्स हैं, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने बनेंगे, एन माइनस वन, इतने ही तो बनेंगे. नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने बनेंगे, एन माइनस वन. नंबर ऑफ कैपेसिटेंस अगर बनेंगे, कैपेसिटर अगर होंगे तो कितने होंगे, एन माइनस वन होंगे फ्रॉम द एन पाइल्स से, एन पाइल्स से इतने ही बनेंगे. तो अब हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो C1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C1, C2 और C3, C4 डॉट 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 डॉट, और कितना तक जाएगा, ये CN-1 तक जाएगा, ठीक है, CN-1 तक जाएगा. और हमें पता है कि ये हर एक कैपेसिटेंस सब डी डिस्टेंस पर ही हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और सब के का प्लेट एरिया ए है. तो ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये सब अगर मैं इनको क्या कह दूँ कि सी नॉट कह दूँ इसको, इसको नेट टोटल को, तो सब सी 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 ऐसे डॉट 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 और सी एन माइनस वन टर्म तक, कहाँ तक, एन माइनस वन टर्म तक, कहाँ तक, एन माइनस वन टर्म तक, ठीक है. तो अब इसको अगर मैं ऐड करूँ, इन सब को ऐड करूँ, तो एन माइनस वन इंटू सी हो जाएगा इसको अगर मैं ऐड करूँ तो सी नेट नॉट का मतलब सी नेट आप समझ जाना, या हम नेट ही कर दें तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक पड़ेगा, इसको नेट कर दो सी नेट. तो अब सी नेट अगर हम देखेंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा, और हमने सी कैलकुलेट करके रखा है,
सी हमारा कितना है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया, तो ये इसका नेट फार्मूला बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा नेट फार्मूला बन जाएगा, एन माइनस वन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, यही बन जाएगा।